प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। दिल्ली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हो सकता है आप लोगों को ना दिखाई दे रहा हो, होप सो अब अच्छा दिखाई दे रहा होगा। देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा, नहीं क्वेश्चन नहीं कट रहा भाई, सही है। आपसे कह रहा है कि एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 4 मीटर की। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरुआत से जो भी दे रखा हो लिखते चले जाओ, लेंथ दे रखी है आपको 4 मीटर की। और सही करके, राइटिंग बहुत गंदी आती है बाबूजी। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, अभी जो कह रखा था वो मैंने लिख दिया। एंड डायामीटर दे रखा आपको कितना, डायामीटर दे रखा आपको 5 mm का, ये डायामीटर है। आपको पता है 1 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1 mm इज इक्वल टू होता है 10^-3 मीटर। ऐसे क्यों, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं, ये वाली बात तो आपको अच्छे से पता। तो 1 मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं, तो 1 mm के अंदर 10^-3 मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10^-3 मीटर में, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये डायामीटर दे रखा था, इसकी मदद से अगर आप रेडियस निकालना चाहोगे तो इसका आधा कर दोगे। आधे का मतलब कितना हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 होता है, क्योंकि रेडियस जो होती है डायामीटर का हाफ होती है। तो ये हो गई रेडियस, ठीक है भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है। आपके पास लेंथ है, आपके पास रेडियस है, अभी आ रहा हूँ। डायामीटर आपको दे रखा, निकालनी पड़ेगी, वहीं रखी है। लेंथ ये है और रेडियस आपके पास ही आ गया, तो हमसे कह रहा फाइंड। अच्छा एक मिनट और, स्ट्रेच बाई 5 kg वेट, इसको पकड़ के खींच दिया गया है कितने से, 5 kg वेट से। तो ये आपको फोर्स दिया, फोर्स देखो इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब F को जो कि 5 kg वेट था इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपने इतने से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये न्यूटन में आ गए वैल्यू। अच्छा अच्छा और आ गया। अच्छा इसको एक काम कर लो ना यार, सीधा सीधा हो जाएगा अगर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। हालांकि हल्का सा वेरिएशन आ सकता आंसर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके है ना न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। हमसे कह रहा है जो स्टील का यंग्स मॉडुलस है वो कितना है, तो आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा कितना, 2.4 × 10^-12। अच्छा एक इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10^-5 न्यूटन। अच्छा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10^-4 से मल्टीप्लाई करते हो, तो अब ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। मीटर स्क्वायर मतलब ये इस तरह से है, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर जो होता है, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा ऐसा रहा है क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को आप नीचे दिखा सकते हो ना, 1/10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10^-2 इसका स्क्वायर इस तरीके से, तो ये पावर माइनस की पावर ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 2.4 × 10^-12, और ये हो जाएगा 10^-5, ऊपर जाकर 10^+4, तो वैल्यू आ जाएगी 2.4 × 10^-13, क्योंकि यहाँ से माइनस का 1 बचेगा तो -13। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ चुकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ मतलब आपसे डेल्टा एल पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब आपको एक फॉर्मूला लगा देना यंग्स मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ से आप एक काम कीजिएगा, इसे यहाँ भेज दो डेल्टा एल अपॉन एल, तो आपके पास एफ अपॉन ए वाई हो जाएगा। डेल्टा एल आपको चाहिए तो ये एल यहाँ ऊपर को भेज दो, तो आपके पास डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपोन ए वाई, बस ये निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा एल आपको चाहिए, बिल्कुल एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है, 50 है, बिल्कुल रख देंगे 50, इसको यहाँ से मिटा दो, 50 रख दिया आपने डेल्टा एफ की वैल्यू रख दी। अब एल कितना दे रखा था आपको, एल कितना दे रखा था, 4 मीटर दे रखा, देखो एल की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है, तो एल आप रख दोगे 4 मीटर, तो एफ की वैल्यू रख दी आपने, एल की वैल्यू रख दी। इसके बाद नीचे देखो, नीचे है एरिया,
आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो पाई ऐसे रखोगे और रेडियस की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻³, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2.5 × 10⁻³ इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया निकल कर आ गया। उसके बाद यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2.4, तो इसके मल्टीप्लाई में 2.4 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे डेल्टा एल की जो वैल्यू आ जाएगी, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी ये सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर आएगा। मीटर में आपका आंसर इसे सॉल्व करके मीटर में आएगा, मीटर को आएगा जब तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर को, तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो 0.0041 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करके आ रहा है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअली ये था। कैलकुलेशन सॉल्व करके आपको दिखाया, तो बस मुझे थोड़ा सा जल्दी में कोई काम है, मैं आपको किसी और क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। थैंक यू।